குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்பப் பெற மாட்டோம் என்று பாஜக தலைமையிலான அரசு அதில் எந்த சமரசமும் செய்து கொள்ளாது என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் இந்தியாவில் அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில் நாட்டின் குடியுரிமையை உறுதி செய்வது நமது இறையாண்மைக்கான உரிமை சிஏஏ சட்டம் அதில் நாங்கள் ஒருபோதும் சமரசம் செய்ய மாட்டோம் சிஏஏ திரும்பப் பெறப்படாது என தெரிவித்துள்ளார் தாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் சட்டத்தை நீக்குவோம் என்று ஐ கூட்டணியில் உள்ள தலைவர்கள் சொல்கின்றன என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அமித்ஷா கூட்டணிக்கு கூட தெரியும் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வரமாட்டார்கள் என்று சிஏஏ கொண்டு வந்தது பிரதமர் மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு அதை ரத்து செய்வது சாத்தியமில்லை நாடு முழுவதும் இதுகுறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவோம் அதனால் அதை ரத்து செய்ய விரும்புவோருக்கு இடம் கிடைக்காது என்று திட்டவட்டமாக அமித்ஷா தெரிவித்துள்ளார் जिस तरह फार्म लॉस को रोल बैक किया गया क्योंकि सच अ लॉट ऑफ बैकलैश तो क्या अगर इंटरनेशनल प्रेस में आने लगे और अगर यहाँ पर सड़कों पर लोग उतर आए तो क्या ये भी वापस ले लिया जाएगा? देखिए सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है भारत की संप्रभुता का निर्णय है इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते जयराम रमेश कांग्रेस के नेता ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है शशि थरूर कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाती है इलेक्शन या इंडिया अलायंस जीत जाती है तो ये सी को रिपील कर दिया जाएगा क्या कहेंगे आप देखिए उनको भी मालूम है कि इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आना है मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं सी के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है नरेंद्र मोदी सरकार लाई है इसको रिपील करना असंभव है हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले स्थिति होगी और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद में दो अपवाद रखे हुए हैं एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है और दूसरा कानून के के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए तो वो आर्टिकल फोर्टीन का वायोलेशन नहीं करता है इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है कि जिन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में आज वो विभाजन के कारण देश से कटे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिन लोगों पर धार्मिक प्रताड़ना होने के कारण जो भारत की शरण में आए हैं उसके लिए एक कानून है तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है और इसलिए ये पूरी तरह से संवैधानिक कानून है एक और क्रिटिसिज्म है महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि आ, ये सुप्रीम कोर्ट में जो है उसकी सुनवाई अभी बाकी है तो इतनी जल्दबाजी क्यों देखिए हर कानून को कोई सुप्रीम कोर्ट में स्टे करेगा तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट के सामने न्याय मांगने के लिए जाना और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देना दो अलग बात है इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे नहीं है चार साल से लोग गए हैं अभी लंबित है मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके इंप्लीमेंटेशन पर कुछ ही नहीं दिया है